बेसिस पे किया, किसी से पूछ के या फिर आपके एक्सपीरियंस से? तो जैसे मैंने कहा, मुझे क्लास टेंथ के बाद थोड़ा मुझे मोर इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिस्ट्री, इतिहास में इंटरेस्ट, और एक सिस्टम था जो मैं वैसे विदेश जाना चाहता था पढ़ने के लिए, तो एक सिस्टम था जो आईडी में नेशनल बैचलर, और उस सिस्टम से आप फिर थोड़ा आसानी हो जाता है विदेश जाने। तो उस सिस्टम में आप सब्जेक्ट्स चूज, जैसे आपका आईएससी और आईसीएससी में सब्जेक्ट्स आप चूज कर, सीबीएसई में आप चूज करते हो सब्जेक्ट, उसी तरह आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। और इसीलिए मैंने अपने जो इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडीज, आप लोग आगे आगे बेटा आ जाओ बेटा, टीचर बन गया है। किस तरह का अनुभव रहा? मुझे बहुत ही पसंद आया अपने ग्वालियर के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ वाद विवाद करना, उनके प्रश्नों का जवाब देना अपने अनुभव से। मैं भी खाली 26 साल का हूँ, मैं भी एक युवा ही हूँ, युवक ही हूँ, तो जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस तौर पे मैंने जवाब दिया है, उनके साथ बातचीत किया है। आपने पूरे दिल से उनसे बात की, चाहे स्कूली लाइफ की या कॉलेज लाइफ की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर उनके करियर को लेकर, उनके व्यवसाय को लेकर, या जो रुचि है, तो किस तरह का बच्चों से आपको रिस्पॉन्स मिला यहाँ? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले तो थोड़े घबरा गए थे कि मैं प्रश्न पूछूँ कि नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं शुरू करता हूँ। जब मैंने थोड़ा सा उनके साथ बातचीत की, मैंने अपना जो अनुभव है उनको बताया, तब वो थोड़ा खुल गए और उन्होंने अपना प्रश्न जो है आगे लेके आया। अब महारमन जी, सिंधिया जी की जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में क्या माना जाए कि आप भी जो है उनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करेंगे सियासत में आने के साथ ही? वो अब देखते जाते हैं। अभी तो मैं कहता हूँ कि मैं वही कहा है कि मैं सबसे मिल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और देखता हूँ, देखते क्या होता है। भविष्य कोई भी नहीं जानता क्या है, क्या हो सकता है भविष्य में। एक सवाल ये भी है, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है हमारे में। आप तो मैं ऊपर बात की स्टूडेंट से, तो रूस का भी जिक्र किया और विदेशों में, वहाँ इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है, क्या मानते हैं आप? जी, एजुकेशन तो कहीं भी महंगी है, चाहे आप यहाँ भी देखो या चाहे विदेश में भी देखो, लेकिन उसके साथ स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को कहा है कि आप अगर पढ़ाई में अगर थोड़ा और दिलचस्पी रहे, और मैंने उनको समझाया भी है कि किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उनको अप्लाई करना चाहिए अपने आप को, अगर आप इस दिशा में चलोगे तो उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। अगर स्कॉलरशिप्स ना मिले तो उनका कुछ और आइडिया बन सकता है जो अपने देश और प्रदेश को आगे लेके जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने उनसे बातचीत की इस विषय पर। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।